तो क्या कभी फ्लर्ट करते करते चीजें सीरियस हो गई हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं राज गौरव, आज हम बात करने वाले लव एंड अनार्की। एक टीवी शो आया है जो कि नेटफ्लिक्स पे, उसके रिव्यू के बारे में क्या आपको देखना चाहिए नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। और टेंशन मत लो, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉइलर फ्री होने वाली है, तो आप पहले रिव्यू देख सकते हो फिर जाके टीवी शो देख सकते हो। तो भाई, लव एंड अनार्की जो है हमारा एक लव कॉमेडी टीवी शो है जो कि स्वीडिश में है। स्वीडिश टीवी शो है भाई, और ये सेकंड टीवी शो है आफ्टर क्विक सैंड, ऑल दो सेम कंपनी ने बनाया है, बट यू नो चीज अलग है। सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे ईदा, मोस्टन, कार्ला, रेनी, बीजोन, ताना, सोफिया, रेन और काफी अलग अलग एक्टर्स। तो वैसे स्टोरी काफी सिंपल है। सोफिया को काम मिलता है एक पुरानी पब्लिशिंग हाउस को रिवाइव करने का, उसको मॉडर्नाइज करने का। वहां पे इसको मिलते हैं एक आईटी का बंदा जिसके साथ स्टार्टिंग में कैजुअल फ्लर्टिंग स्टार्ट करते हैं, बाद में चीजें सीरियस हो जाती है, और बाद में क्या होता है वो जानने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। बट मैं ये कहूंगा ये सबके लिए नहीं है। और इस चैनल पर चल रहा है एक गिव अवे नेटफ्लिक्स का फ्री अकाउंट का, भाई उसमें पार्ट लो जाके, कैसे लेना है, क्या करना है, क्या रूल्स हैं, सब कुछ जानने के लिए आई कार्ड मारियो की एक वीडियो जाके वो देखो, सब कुछ जान जाओगे। अब ये सब हो गया तो चलते हैं अपने रिव्यू पे और बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये सबके लिए नहीं है। देखो भाई, एक लव कॉमेडी है और ये सबको पसंद नहीं आती है। ये जॉनरा होता है आराम से बैठ के देखने का, ना कि बिंज वॉच करने का। तो इसको आप, वो होगा कि भाई कभी लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ऐसे टाइम पे बैठ के लगा ले, एक एपिसोड देखा उठ गए, अगले दिन एक एपिसोड देखा उठ गए। कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को नहीं आता है। कई लोगों को लव कॉमेडी पसंद नहीं आती है, उसका एक वजह और है, इसकी एक्टिंग मीडियोकर एक्टिंग है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग नहीं की गई है इस टीवी शो में। तो मतलब एक ऑन पार जो होती है ना वो एक्टिंग है, उसे ऊपर नहीं है, उसे नीचे नहीं है, तो ठीक ठाक एक्टिंग है इस टीवी शो की। और दूसरी बात है, इसकी कोई स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। स्टोरी हमने काफ़ी बार देखी हुई, एक बंदी या बंदा होता है जो कि डिवोर्स होता है, बड़ा होता है एज में, किसी छोटे बंदे के साथ या बंदी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, दोनों सीरियस हो जाते हैं, अब सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो कैसे क्या करेंगे, वो सब दिखाया गया है इसमें, और वही चीज़ है। तो मतलब हम बहुत बार देख चुके हैं, और ऐसे कोई खास ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नहीं डाले गए हैं इसमें जो आपने पहले ना देखे हो। तो ये चीज़ आपकी पूरी एक्सपेक्टेड होगी, आप पूरी प्रिडिक्ट कर सकते हो। बस ये एक लाइट हार्टेड टीवी शो है, तो बस इसको बिंज वॉच मत करना, जब टाइम मिले तब देखना। ऑल दो कैमरा वर्क और कलर क्रिएशन काफ़ी अच्छा है इस टीवी शो का, बट उसके अलावा बाकी सब मीडियोकर है, कुछ ऐसा खास नहीं है कि भाई इसको जाके बिंज वॉच करना है, अभी देखना है, अभी देखना है। जब टाइम मिले आराम से बैठ के इसको देख सकते हो, व्हाइल यू आर हैविंग लंच, व्हाइल यू आर हैविंग योर डिनर, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, कुछ नहीं करने को, बैठ के एक टीवी शो का एपिसोड देख लिया, वैसा है, बिंज वॉचेबल नहीं है। तो इस टीवी शो को मैं दूंगा 10 में से 6 स्टार्स। आप कितने दोगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो का जो शेयर, ताकि तुम्हारे दोस्त भी समझे यार एक ऐसा टीवी शो आया है जिसको हम खाना खाते वक्त देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर लो, सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग गाइस, एंड एज ऑलवेज पीस आउट।